हमारे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है और हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी के तीन कॉमन एग्जांपल्स देखे, जिनमें से फर्स्ट था प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, जहां पर अगर एजेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है तो इसके लिए प्रिंसिपल वाइकेरियसली लाइबल होता है। सेकेंडली हमने पढ़ा पार्टनरशिप का रिलेशनशिप, जहाँ पर अगर कोई एक पार्टनर टॉर्ट कमिट करता है तो इसके लिए दूसरे पार्टनर्स वाइकेरियसली लाइबल होते हैं। और थर्डली हमने देखा कि अगर मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप में सर्वेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है तो इसके लिए मास्टर वाइकेरियसली लाइबल होता है। पिछले क्लास में हमने पहले जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, पहले के जो दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप और पार्टनरशिप का रिलेशनशिप, ये कवर कर लिया है। आज का क्लास हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मास्टर की जो वाइकेरियस लाइबिलिटी है सर्वेंट के टॉर्ट के लिए। वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर एक मैक्सिम पर बेस्ड है। इस मैक्सिम का नाम है रिस्पोंडिएट सुपीरियर। इस मैक्सिम को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैक्सिम का मतलब क्या है। मैक्सिम का मतलब है एक प्रिंसिपल, यानी कि कोई सिद्धांत। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर इस मैक्सिम पर बेस्ड है, रिस्पोंडिएट सुपीरियर, जिसका मतलब है लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल, यानी कि प्रिंसिपल जैसे कि लाइबल होता है एजेंट के टॉर्ट करने पर, उसी तरह मास्टर भी लाइबल होता है अगर उसका सर्वेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है। पर ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर के पास है लार्जर पॉकेट। हमें पता है कि टॉर्ट के केसेस में डैमेजेस मिलते हैं, डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। तो यहाँ पर सर्वेंट की जो क्षमता है कंपनसेशन देने की, वो बहुत कम है मास्टर की क्षमता से। तो इसीलिए अगर सर्वेंट कोई टॉर्ट कमिट करता है तो मास्टर उसी तरह से लायबल होता है जैसे कि उसने ये टॉर्ट खुद ही कमिट किया हो। मास्टर के लायबिलिटी की अराइज होने के लिए दो ऐसे कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इसेंशियल हैं। इनमें से फर्स्ट है कि जो टॉर्ट है वो सर्वेंट ने ही कमिट किया हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने टॉर्ट कमिट किया है वो वाकई एक सर्वेंट हो। और सेकंड है कि सर्वेंट ने जब टॉर्ट कमिट किया है तो उसने ये एम्प्लॉयमेंट में रहकर किया है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया है। आज के क्लास में हम बस ये फर्स्ट पॉइंट को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो टॉर्ट कमिट हुआ है उसे वाकई सर्वेंट ने ही कमिट किया है कि नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति ने टॉर्ट कमिट किया है वो वाकई सर्वेंट है कि नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट, इसे हम कह सकते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर टॉर्ट कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉय। दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब हम आगे देखते हैं। जनरल रूल ये है कि मास्टर लाइबल होता है उस टॉर्ट के लिए जिसे उसके सर्वेंट ने कमिट किया हो, पर मास्टर लाइबल नहीं होता उस टॉर्ट के लिए जिसे एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कमिट किया है। तो हमें सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सर्वेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन है। हु इज़ अ सर्वेंट? एक सर्वेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने एम्प्लॉय किया हो कोई कार्य करने के लिए। उस कार्य को करने के दौरान जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर के कंट्रोल में रहता है और मास्टर ने जो डायरेक्शंस दी होती है उसे ही सर्वेंट फॉलो करता है। सर्वेंट अपना खुद का डिस्क्रिशन यानी जजमेंट यूज़ नहीं करता। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक करता है कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपकी साइकिल ख़राब हो गई है, तो अब आप इसे एक वर्कशॉप में लेकर जाएंगे उसे रिपेयर कराने के लिए। अब हो सकता है कि वर्कशॉप का जो मालिक है वो मना कर दे। अगर वो आपका साइकिल रख लेता है रिपेयर करने के लिए, तो अब वो अपना खुद का डिस्क्रिशन, अपना खुद का जजमेंट यूज़ करेगा उस साइकिल को ठीक करने के लिए। आप उसे कोई डायरेक्शंस नहीं देंगे कि उसे उसका काम कैसे करना है। तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कभी भी किसी के कंट्रोल में रहकर, किसी के सुपरविजन के अंडर में काम नहीं करता। वो हमेशा अपना खुद का डिस्क्रिशन, अपना खुद का जजमेंट यूज़ करता है किसी काम को करने के लिए। तो जो मैकेनिक्स हैं, रिपेयरर्स हैं, ओनर्स हैं वर्कशॉप के, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो सर्वेंट्स नहीं होते। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, आइए इसे पढ़ते हैं। माई कार ड्राइवर इज़ माई सर्वेंट, इफ़ ही नेग्लिजेंटली नॉक्स डाउन एक्स आई विल बी लायबल फॉर दैट।
सपोज मेरे पास एक कार है, उस कार के लिए मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है, तो वो जो कार का ड्राइवर है वो मेरा सर्वेंट है। अभी अगर उसने नेग्लिजेंटली गाड़ी को चलाया और एक्स को हिट कर दिया तो उसके लिए मैं लायबल होंगी, क्योंकि कार का जो ड्राइवर है वो मेरा सर्वेंट है, इसलिए मैं वाइकेरियसली लायबल होंगी। बट इफ आई हायर अ टैक्सी फॉर गोइंग टू रेलवे स्टेशन एंड द टैक्सी ड्राइवर नेग्लिजेंटली हिट्स एक्स, आई विल नॉट बी लायबल टूवर्ड्स एक्स बिकॉज द ड्राइवर इज़ नॉट माई सर्वेंट बट ओनली एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। पर सपोज रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए मैंने एक टैक्सी को हायर किया, टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को नेग्लिजेंटली चलाया और उसने एक्स को हिट कर दिया, तो इसके लिए मैं वाइकेरियसली लायबल नहीं होंगी, क्योंकि टैक्सी का जो ड्राइवर है वो मेरा सर्वेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो इस टॉट के लिए टैक्सी का जो ड्राइवर है वो खुद ही और सिर्फ वो ही लायबल होगा। अब एक केस है देवेंद्र सिंह वर्सेस मंगल सिंह का, जो कंट्रोल टेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। देवेंद्र सिंह वर्सेस मंगल सिंह के केस में देवेंद्र सिंह एक ट्रक का मालिक होता है, उसकी ट्रक बिगड़ गई होती है तो वो अपने ट्रक को रिपेयर कराने एक वर्कशॉप में लेकर जाता है। वर्कशॉप का मालिक जब ट्रक को टेस्ट ड्राइव कर रहा होता है तब एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ एक साइक्लिस्ट जिसका नाम है मंगल सिंह वो हर्ट हो जाता है। जब मंगल सिंह कोर्ट में सूट फाइल करता है तब कोर्ट से ये हेल्प होता है कि ट्रक का जो ओनर है वो वाइकेरियसली लायबल नहीं होगा, क्योंकि वर्कशॉप का जो ओनर है वो ट्रक का जो मालिक है उसका सर्वेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो अभी जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट में एक सर्वेंट अपने मास्टर के अंडर में काम करता है, अपने मास्टर के कंट्रोल में रहकर काम करता है और उसकी दी हुई डायरेक्शंस को फॉलो करता है, वो अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज़ नहीं करता। और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज़ करता है काम करने के दौरान, और वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं करता। नेक्स्ट है हायर एंड फायर टेस्ट। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर सर्वेंट्स मास्टर के कंट्रोल में नहीं होते पर फिर भी वो सर्वेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्जन्स जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो स्टेट सर्वेंट्स होते हैं, ऑल्दो उनको बताकर नहीं देना होता कि उनको उनका काम कैसे करना है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सर्वेंट्स कैसे हुए, तो यहाँ पर काम आता है हायर एंड फायर टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ए एम्प्लॉयज़ बी, ए इज़ बीज पे मास्टर, ए बी को एम्प्लॉय करता है और ए बी का पे मास्टर है, यानी बी को उसका पेमेंट ए से मिलता है। ए हैज़ पावर टू फायर बी और ए बी को काम से निकाल भी सकता है। तो ए इज़ बीज मास्टर फॉर द पर्पज़ ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो अभी अगर बी कोई टॉर्ट कमिट करेगा तो इसके लिए बी वाइकेरियसली लाइबल होगा, यहाँ पर ए को बी का मास्टर माना जाएगा। जैसे कि सर्जन्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के होते हैं वो स्टेट सर्वेंट्स होते हैं। अगर हम सिर्फ कंट्रोल टेस्ट को ही अप्लाई करें तो हाउस सर्जन्स, मेडिकल असिस्टेंट्स जो होते हैं स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स के, उनको हम सर्वेंट्स नहीं कह पाएंगे, पर असल में ये स्टेट सर्वेंट्स होते हैं। सिमिलरली जो इंजीनियर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में काम करते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के सर्वेंट्स होते हैं, ऑल्दो उन्हें बताकर नहीं देना पड़ता कि उनको उनका काम कैसे करना है। लास्ट पॉइंट है लेंटिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन, यानी अपने सर्वेंट को किसी दूसरे व्यक्ति को लेंट करना। लेंट करने का मतलब है किराए पे देना या उधार पे देना। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन ए लेंट्स हिज सर्वेंट एक्स टू बी एंड एक्स कमिट्स अ टॉर्ट अगेंस्ट सी, यहाँ पर ए ने अपने सर्वेंट एक्स को बी को लेंट कर दिया है और एक्स ने एक टॉर्ट कमिट किया है सी के अगेंस्ट। द क्वेश्चन इज हु इज़ टू बी कंसिडर्ड द मास्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मास्टर कौन है इस केस में, ए है या बी है, एंड हुम कैन सी सू फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय एक्स, और सी किसको सू करेगा कोर्ट में, ए को या बी को। जो आंसर है वो कई कंसिडरेशंस पर डिपेंड करता है, पर मेनली दो कंसिडरेशंस हैं। पहला है कि इन दो मास्टर्स में किस मास्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो बताए कि सर्वेंट को क्या करना है, और सेकेंडली
किस मास्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो सर्वेंट को बताए कि काम को किस मैनर में करना है। एक बहुत ही फेमस केस है मर्सी डॉक सेंट हार्बर बोट वर्सेस कॉगिन्स सेंट ग्रिफिथ्स लिवरपूल का, जो इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोट के केस में हार्बर बोट के पास कई सारे मोबाइल क्रेन्स होते हैं और उन मोबाइल क्रेन्स को चलाने के लिए स्किल्ड ड्राइवर्स भी होते हैं। वो उन मोबाइल क्रेन्स को हायर पर देते हैं ड्राइवर के साथ। कुछ स्टीवडोर्स होते हैं, स्टीवडोर्स यानी कि जो लोग बंदरगाह में शिप को लोड और अनलोड करने का काम करते हैं। कुछ स्टीवडोर्स होते हैं जिन्होंने एक क्रेन को हायर किया उसके ड्राइवर के साथ एक शिप को लोड करने के लिए। ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से शिप को लोड करने के दौरान एक्स एक व्यक्ति होता है जो इंजर हो जाता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ड्राइवर का मास्टर यहाँ पर कौन है, स्टीवडोर्स या फिर हार्बर बोट। हाउस ऑफ लॉट्स से ये डिसाइड होता है कि हार्बर बोट, जो कि जनरल और परमानेंट एम्प्लॉयर है उस ड्राइवर का, वही लायबल है। स्टीवडोर्स यहाँ पर लायबल नहीं होंगे। ऑल्दो स्टीवडोर्स यहाँ पर इमीडिएट एम्प्लॉयर थे ड्राइवर के और वही बता सकते थे ड्राइवर को कि क्या करना है, पर स्टीवडोर्स ड्राइवर को ये नहीं बता सकते थे कि ड्राइवर को किस तरह से क्रेन को ऑपरेट करना है। क्रेन को ऑपरेट किस तरह से करना है ये बताने की अथॉरिटी हार्बर बोट की थी। तो इसलिए यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हार्बर बोट को वाइकेरियसली लायबल किया। तो यहाँ पर हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ मास्टर के दो एसेंशियल कंडीशंस में से पहला कंडीशन कवर हो गया है।